आज से यूपी के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। ये 11 दिन तक चलेगा। वहीं इसके बाद 5 फरवरी को बजट पेश होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की और विपक्ष पार्टी को हिदायत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो मान्य सदस्यों की भावनाएं हैं उसे सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधानसभा में एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में ये सत्र महत्वपूर्ण होगा। यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है।